हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कैसे आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, कैसे आप ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या होता है उसे बता देता हूँ। देखिए, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हो, जैसे कि आप अपने वेबसाइट की डिज़ाइन कर रहे हो तो वेबसाइट के ऊपर लुक दिखता है, यानी कि उसकी डिजाइनिंग यदि चेंज होती है तो वो ब्यूटीफुल लगेगा, तो वो ऑन पेज एसईओ हो गया ऊपर का, ठीक है। और आप पोस्ट लिख रहे हो, पोस्ट में भी एसईओ करना होता है, तो एसईओ फ्रेंडली पोस्ट यानी कि अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो वो जो होता है वो भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। और यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, यानी कि अपने साइट के बाहर, यानी कि जैसे बैकलिंक्स बनाना, डायरेक्टरी सबमिट करना, उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट को शेयर करना, तो ये सारे जो तरीके होते हैं ये ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स में आते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और सीखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज एसईओ बेसिकली सही मायने में होता क्या है, और एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ब्लॉगिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और दो दिन पहले वीडियो बनाया था कीवर्ड रिसर्च आप कैसे फ्री में कर सकते हैं, और फ्री में कीवर्ड रिसर्च करके आप गूगल में पहली पोजीशन हासिल कर सकते हैं, यानी कि रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, हम एग्जांपल के थ्रू समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये साइट आप देख सकते हैं, bloggingskill.com। अभी देखिए, इसके ऊपर हमने ये डिजाइन बना के रखा है, ये डिजाइनिंग हमने की है। अब इस डिजाइनिंग को, ये जो डिजाइनिंग है ये भी ऑन पेज एसईओ के थ्रू आता है, उसके अंदर आता है। और मान लेते हैं डिजाइनिंग में कोई किसी भी प्रकार की आप डिजाइनिंग कर रहे हो, वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में ही काम आता है, यानी कि ऑन पेज एसईओ में ही आता है। अब यहाँ पे हम पोस्ट लिखते हैं, आपको पता है हम पोस्ट लिखते हैं तो उसमें भी एसईओ करते हैं, यानी कि इमेजेस का यूज करते हैं, एसईओ फ्रेंडली टाइटल रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करते हैं, तो ये सब ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स में आता है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना और अपने फोकस कीवर्ड को टारगेट करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे ऐड करना, ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आती हैं। यानी कि पोस्ट भी आप लिख रहे हो और पोस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो चीज़ें आप करते हो वो भी ऑन पेज एसईओ में ही आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन पेज एसईओ ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें इमेजेस वगैरह, एफएक्यू वगैरह सब कुछ ऐड हैं, और ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। अब यहाँ पे ऑन पेज एसईओ में मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ें मैं आपको बता दिया, यहाँ पे आप वेबसाइट के डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और पोस्ट को रैंक करने के लिए जिस प्रकार का आप एसईओ कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। मान लेते हैं हमने आर्टिकल लिखा, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें गूगल में जो रैंक करे, ठीक है। अब इस यूआरएल पर हमें बैकलिंक्स बनाना है, तो बैकलिंक्स बनाने के लिए हम दूसरे पर गेस्ट पोस्ट सेंड करते हैं दूसरे साइट पर, और लोगों को ईमेल करते हैं कि हमें बैकलिंक्स दीजिए। तो बैकलिंक्स वगैरह बनाना, डायरेक्टरी सबमिट करना इस पोस्ट का, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं। और ऑफ पेज एसईओ में ये सारी भी चीज़ें आती हैं, आप अपने पोस्ट को सोशल मीडिया पर जैसे ट्विटर, फेसबुक, अन्य जगह आप शेयर करते हो तो ये सारी चीज़ें भी ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। यानी कि ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के ऊपर काम होता है, ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो हम वेबसाइट के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए जो सारी चीज़ें, जो टेक्निक अपनाते हैं वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली डिफरेंस क्या है और इसे करते कैसे हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ सब कुछ आपको मैंने डिटेल में बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटी सी वीडियो थी लेकिन यहाँ पे काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं पता थी कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होता क्या है। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो सोचा बना दूँ और आप लोगों की हेल्प हो जाए। और गाइस, जो लोग भी यहाँ पे वर्डप्रेस साइट बनवाना चाहते हैं, ब्लॉगर साइट बनवाना चाहते हैं, या उनका एड्स अप्रूव है, एडसेंस प्लेसमेंट यहाँ पे करवाना चाहते हैं अपनी साइट पर, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट अस बटन दिया गया है bloggingskill.com पर। यदि आप इंटरेस्टेड हो
तो आप मुझे हायर कर सकते हो और अपनी सर्विसेज, ये जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और ब्लॉगिंग सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।